hello i am dr rakesh uke md medicine we will see today cholelithiasis or gallstones these are stone inside gallbladder which lies in abdomen in right upper quadrant these are classified into cholesterol and calcium bilirubinate stones cholelithiasis causes and risk factor more common in women lithiasis attributable to hemolysis in sickle cell disease obesity risk factor especially in women rapid weight loss increases risk of symptomatic gallstone diabetes mellitus insulin resistance and glucose intolerance are risk factors for gallstones high dietary glycemic load and high intake of carbohydrate in women increases risk of cholecystectomy hypertriglyceridemia promote gallstone formation by impairing gallbladder motility gallbladder disease increases in men in hepatitis c virus infection and cirrhosis cholecystectomy increases risk of cirrhosis and NFLD, high incidence of gallstone in Crohn's disease. Drug can cause gallstone like ceftriaxone, clofibrate, octreotide. Over five to ten days, prolonged fasting, formation of microlithiasis, biliary slurs resolve with refeeding, but lead to biliary symptoms or gallstones. Pregnancy in obese woman and with insulin resistance increases risk of gallstones hormone replacement therapy increases the risk of need for cholecystectomy and gallbladder disease lower in transdermal than oral mediterranean diet low carbohydrate diet cardio respiratory fitness and physical activity may help to prevent gallstones coffee protect against gallstones in women polyunsaturated and monounsaturated fats and high intake of magnesium reduces risk of gallstones in men's particularly in women diet rich in fruits and vegetables high in fiber and use of statin reduces risk of cholecystectomy नॉन स्टेराइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग लाइक एस्पिरी में प्रोटेक्ट अगेंस्ट गोलस्टोन कोलिथिया सिम्टम्स मोस्टली असिम्टोमेटिक, डिस्कवर्ड इन रूटीन रेडियोग्राफी सर्जरी ऑटोप्सी इटीसी क्लासिक बिलियरी और इपिसोडिक गॉलब्लैडर पेन इनफ्रिक्वेंट इपिसोड स्टेडी स्टेडिसिवियर पेन इन राइट अपर क्वाड्रेंट और इपी एंड रेडिएशन टू राइट स्कैपुला इन कोलेलिथियासिस मे बी इनिशियल फीचर स्मॉल इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन बाई गोलस्टोन आइलियस वेन ऑब्स्ट्रक्शन ऑब्स्ट्रक्टिंग स्टोन इन पाइलोरस और डिओडिनम कोलिलिथियासिस गॉलस्टोस इन्वेस्टिगेशन अल्ट्रासोनोग्राफी यूजली डिटेक्ट गोलस्टोन सीटी एंड एक्सरे में बी डन कोलिलिथियासिस गोलस्टोन ट्रीटमेंट इंट्रामस्कुलर डायक्लोफिनैक 50 टू 75 फाइव एम जी इफ नेसेसरी टू रिलीव पेन एंड टैबलेट अर्सोडियऑक्ोलिक एसिड 8 टू थर्टीन एम जी पर के जी पर डे यूजअली थ्री हंड्रेड एम जी बी डी मे यूज अप टू टू ईयर्स इट मे डिजोल्व सम कोलेस्ट्रॉल गोलस्टोन्स इन पेशेंट वी कैन यूज हु रिप्यूज कोलेसिस्टेक्टॉमी ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इज लेप्रोस्कोपिक कोलेसिस्टेक्टॉमी फॉर सिम्टोमेटिक गोल ब्लैडर स्टोन्स बट मे इंक्रीजेस रिस्क ऑफ एडिनोकार्सिनोमा प्रोक्सिमल स्मॉल इंटेस्टाइनल एंड हिपैटोसेलुलर कार्सिनोमा बाय चेंजेस इन इंटेस्टाइनल एक्सपोजर टू बाइल एंड इनक्रीजेस डिओडिनो गैस्ट्रिक रिफ्लक्स आफ्टर कोलेसिस्टेक्टोमिंग सो आज हमने ये देखा कि सपोज हमें अगर पेन है पेट में जो कि राइट अपर साइड के पेट में है मतलब रिप्स के नीचे और वो ईपिगैस्ट इपिगैस्टिक रीजन में भी आ सकता है तो उस पेन के लिए हम क्या करते हैं जनरली हम चेक करते हैं कि कहीं वो स्कैपुला राइट स्कैपुला में रेडिएट तो नहीं हो रहा है अगर वो रेडिएट हो रहा है तो हम सोचते हैं कि ये गॉल ब्लैडर का हो सकता है तो हम जाते हैं सोनोग्राफी करने के लिए सोनोग्राफी में यूजुअली ये डिटेक्ट हो जाता है कि इसमें गॉल स्टोन है अगर हमारा गोलस्टोन अगर लेस देन थ्री सेंटीमीटर है और वो कैल्सिफाइड नहीं है गॉल ब्लैडर तो हम अर्सोडिऑक्सिकोलिक एसिड भी ले सकते हैं बट अर्सोडियोक्सिकोलिक एसिड लेने के लिए हमें सिम्टम्स नहीं चाहिए अगर हमें ऑन गोइंग अगर है तो बेस्ट ऑप्शन है लेप्रोसिस्ट लेप्रोस्कोपिक तो हम सर्जन से डिस्कस करते हैं और उसके बाद में आगे इसका ट्रीटमेंट प्लान करते हैं नहीं तो यूजुअली अगर असिम्टोमेटिक है गोलस्टोन लेस देन थ्री सेंटीमीटर है तो हम उन केसेस में अर्सोडियोगी कोलिक एसिड थ्री हंड्रेड एम जी बी डी ये टेबलेट भी दे सकते हैं अपने डॉक्टर से डिस्कस करने के बाद में थैंक यू प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर थैंक यू सो मच